नमस्कार। आज का एपिसोड स्नेहल भाटकर जी को लेके आए हैं, जो पुराने संगीतकार हैं। उन्होंने कई गीत ऐसे कंपोज किए वो आज भी अलग छाप छोड़ते हैं। उनका एक कंपोजिशन तो एक ऐसा है कि जिसे गाने के बाद मुबारक बेगम रातों रात स्टार बन गई थी संगीत की। वो फिल्म आई थी हमारी याद आएगी, उसमें सोमना नूतन जी की छोटी बहन तनुजानी ने एंट्री की थी इस फिल्म से, और उन्हीं पे ये फिल्माया गया है। गाना सुनाता हूँ आपको, मुबारक बेगम लगाया हुआ। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौन जाएगी। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में। ये पिछली राख करी जाएगी तेरे प्यार की दुनिया, ये बिजली राख करी जाएगी तेरे प्यार की दुनिया। मैं फिर तू जी सकेगा और मैं तुझको जान भी जाएगी तेरी प्यार की खातिर, हमारी जान भी जाएगी तेरे प्यार की खातिर। मैं तू सो सकेगा ओए ना तुझको नींद आएगी, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में। मुबारक बेगम जी का ये गाया हुआ गाना फिल्म, ये बहुत फिल्म चली थी और सुपर डुपर हिट रही थी, और ये गाना तो बहुत ही सराहा गया स्नेहल भाटकर जी ने। केदार शर्मा जी ने उनको सर्वप्रथम मौका दिया था, वह HMV में कंपनी में हारमोनियम प्ले किया करते थे। केदार शर्मा जी ने जब उनको एक फिल्म में संगीतकार बनने के लिए कहा तो HMV वालों को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी दूसरी जगह कार्य कर नहीं सकता है, तो उन्होंने अपना नाम, जो उनका नाम वासुदेव था, वो चेंज करके उन्होंने अपनी जो लड़की है स्नेहलता, उसके
स्नेहल भटनागर के नाम से संगीत देना शुरू किया। एक इसी फिल्म का गाना मुकेश जी ने और लता जी ने गाया है, वो आपको सुनाता हूँ। सोचता हूँ ये क्या किया मैंने, सोचता हूँ ये क्या किया मैंने, क्या ये सर दर्द ले लिया मैंने, क्या सर दर्द ले लिया मैंने, सोचती हूँ ये क्या किया मैंने, क्यों ये सर दर्द ले लिया मैंने, ये सर दर्द ले लिया मैंने, सोचती हूँ। कोई रह गए कहाँ से आई है, ये तो अपनी नहीं पराई है, ऐसी चंचल शरीर और झूठी, फिर भी दिल को ये ऐसी भाई है, हाथ हाथों में ले लिया मैंने, दिल नादा ये क्या किया मैंने, सोचता हूँ देख कर यो मुस्कुराया क्यों, देख कर यो मुस्कुराया क्यों, मुस्कुराया था पास आया क्यों, ना कि इतनी सी आप इतना सा, फिर भी मेरी नजर को भाया क्यों, इसको अर्पण किया हिया मैंने, ये नादान ये क्या किया मैंने, सोचती हूँ। ये हो गया जो होना था, ये हो गया जो होना था, ये जो काफी धड़क रहा है यहाँ, इसने एक दिन मुझे डुबोना था, पीले नादा ये क्या किया मैंने, जो किया ठीक ही किया मैंने, दिल का रोशन किया दिया मैंने, सोचता हूँ ये क्या किया मैंने, सोचता हूँ। ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था। अंत में मैं आपको ये गाना सुना रहा हूँ फरियाद फिल्म से, जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर जी ने। बहुत ही जो कंपोजिशन है वो बहुत कड़ी है। हाँ
हाले दिल उनको सुनाना था, हाले दिल उनको सुनाना था, सुना न गया सुनाया न गया, जो जुबा जाना था, जो जुबा पर मुझे लाना था वो लाया न गया, वो लाया न गया। सीने पर दिल कदमों पर प्यार पे सीने पे सर रख के तो दिल कदमों पर आपको अपना बनाना था, आपको अपना बनाना था, बनाया न गया, बनाया न गया दिल उनको। खेलती आंख मिचोली रही नजरें अपनी, खेलती आंख मिचोली रही नजरें अपनी, जिनको पलकों में छुपाना था, जिनको पलकों में छुपाना था, छुपाना न गया, छुपाया न गया हर दिल उनको। एक ही बार हाथों से जिगर थाम लिया, एक ही गरी हाथों से जिगर थाम लिया, आए जिस दिल को बचाना था, आए जिस दिल को बचाना था, बचाया केदार शर्मा जी उनको लेके आए और उनकी जोड़ी बड़ी कामयाब रही थी, गीतकार के रूप में केदार शर्मा जी और संगीतकार के रूप में स्नेहल भाटकर। उन्होंने केदार शर्मा सिर्फ गीतकार ही नहीं थे, निर्माता निर्देशक भी थे, और उन्होंने स्नेहल भाटकर को बहुत अच्छा मौका दिया और बहुत बहुत हमें आज जो रचनाएं सुनने को मिल रही हैं वो प्रदान की। नमस्कार, आज इतना ही।